हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड पैटर्न ऑफ एक्सक्रेशन ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन डिफरेंट एनिमल का ब्रॉडली स्टडी कराया जाएगा। तो फर्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट पे। तो इसमें मेनली आपको तीन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट पढ़ने हैं, मेनली तीन हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो यहाँ पर हम एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के रूप में तीन कंपोनेंट को ले रहे हैं। पहला अमोनिया है जिसका फार्मूला NH3 होता है, दूसरा यूरिया है जिसका फार्मूला NH2CONH2, और तीसरा है यूरिक एसिड C5H4N4O3। तो अब यहाँ पे ये तीनों मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं। जो एनिमल अमोनिया का एक्सक्रेशन करता है उसे अमोनोटेलिक एनिमल कहते हैं, और इस प्रोसेस को अमोनोटेलिज्म कहते हैं। और जो एनिमल्स यूरिया का एक्सक्रेशन करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक, और इस प्रोसेस को या मैकेनिज्म को यूरियोटेलिज्म कहते हैं। और जो एनिमल यूरिक एसिड का एक्सक्रेशन करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक एनिमल, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज यूरिकोटेलिज्म। अब यहाँ पर बात करें इन तीनों एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट में टॉक्सिसिटी का, यानी कि विषाक्तता का, इसमें से मोस्ट टॉक्सिक जो होता है वो अमोनिया होता है। इसलिए यहाँ हमने लिख दिया है हाईली टॉक्सिक, यानी कि सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक होता है वो अमोनिया, और सबसे कम जो टॉक्सिक होता है वो होता है यूरिक एसिड। जब अमोनिया जो होता है ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ज़्यादा टॉक्सिक की वजह से ये केवल एक्वेटिक एनिमल्स में ही पाए जाते हैं। इसलिए इसको एक्सक्रेट करने के लिए या शरीर से बाहर रिमूव करने के लिए ज़्यादा जल की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है। और यूरिक एसिड जो होता है लीस्ट टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए बहुत ही कम वाटर की जरूरत पड़ती है। सो इट अकर इन एवीज, ये स्पेशली बर्ड में पाए जाते हैं क्योंकि उनमें वाटर की कमी भी होती है। वाटर की कमी को बैलेंस बनाने के लिए उनका एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिक एसिड। अब हम आगे देखते हैं इलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड वाटर रिलेशन। कौन सा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट अगर 1 ग्राम इलिमिनेट होगा तो कितने ml वाटर की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं, इलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम तीनों को लिए हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। इफ 1 ग्राम अमोनिया इलिमिनेट रिक्वायर्ड 500 ml वाटर। यदि 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी से इलिमिनेट करना है, रिमूव करना है या एक्सक्रेट करना है, तो इसके लिए 500 ml वाटर की जरूरत पड़ती है, जो कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट है इसकी। और 1 ग्राम यूरिया को अगर रिमूव करना है तो 1 ग्राम यूरिया रिक्वायर्ड 50 ml वाटर, यानी कि 1 ग्राम यूरिया को इलिमिनेट करने के लिए 50 ml वाटर की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार से देखें यूरिक एसिड के 1 ग्राम को अगर इलिमिनेट करना है तो उसमें 10 ml वाटर रिक्वायर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखें अगर, तो सबसे ज़्यादा वाटर अमोनिया रिक्वायर करता है और सबसे कम वाटर की आवश्यकता पड़ती है यूरिक एसिड के इलिमिनेशन में। इसलिए जितने भी अमोनोटेलिक एनिमल होंगे ज़्यादातर वो एक्वेटिक होते हैं, और यूरिक एसिड या यूरिकोटेलिक एनिमल जितने भी होते हैं वो सब एवियर, मतलब एयर में रहते हैं, यानी कि उड़ते हैं, फ्लाइट का काम करते हैं। तो अब यहाँ पे हम अमोनिया की स्पेशल बात करते हैं। अब यहाँ पे जो एनिमल अमोनिया को इलिमिनेट करता है या रिमूव करता है या एक्सक्रीट करता है उसे अमोनोटेलिक एनिमल कहते हैं। और इस मैकेनिज्म को या अमोनिया को एक्सक्रीट करने की मैकेनिज्म को अमोनोटेलिज्म कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहे हैं कि कौन कौन से एनिमल हैं जो अमोनिया का एक्सक्रेशन करते हैं। तो मोस्टली एक्वाटिक एनिमल्स, तो इसके अंतर्गत ज़्यादातर एक्वाटिक या जलीय एनिमल को रखा गया है। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा। तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा से जितने भी एनिमल्स बिलोंग करते हैं, जितने भी ऑर्गन बिलोंग करते हैं, ऑल आर अमोनोटेलिक। अब अदर एग्जाम्पल भी ऊपर दे रहे हैं।